नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल एजुकेशन में। दोस्तों, कभी भी आपने देखा होगा कि इस तरह का पेडेस्टल का आप सेक्शन तैयार करते हैं या फिर आपके पास कभी ड्राइंग आती है। अब सबसे बड़ी गलतियां क्या होती हैं कि जब आप इस वर्टिकल का BBS तैयार करते हैं या फिर इस स्ट्रप्स का BBS तैयार करते हैं, तब आपको सबसे बड़ी क्या दिक्कत आती है, ये आपको बहुत समझना ज़रूरी है। अब ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे यहाँ देख लीजिए, इस तरह के स्ट्रप्स का रिंग तैयार होता है। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि ये रिंग पहचानने में कि किस किस रेनफोर्समेंट को लेके कौन सी स्ट्रप्स बन रही है। अब जैसे ये तो डिस्क्राइब्ड होता है कि 8 डाया है, 150 सेंटर बाई सेंटर है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो हुक आपको दिख रहे हैं, सबसे पहले हुक आपको ध्यान देना है कि हुक कहाँ कहाँ है। यदि देखिए, सबसे नॉर्मल मैं तरीका बताता हूँ आपको, यदि ये आउटर लेके एक हुक यहाँ पे है, मीन्स आपको ये समझना है बाहर बाहर की एक स्ट्रप्स है जो चारों तरफ के रेनफोर्समेंट को लेके इस तरह का हुक बनाए हुए है। सेकंड जो बात आती है कि ये छोटा वाला देखिए यहाँ पे इस तरह से है, या तो कभी ड्राइंग में आपको इस तरह से एरो मार्क दे देगा तो आप वहाँ समझ जाएंगे कि ये रेनफोर्समेंट इन दोनों के बीच की है। ये ऐसे एरो दे देगा, इसका मतलब इन दोनों रेनफोर्समेंट के बीच का है। यदि एरो ना दिया हो तो आपको ये हुक जरूर पकड़ना ज़रूरी है, या फिर कभी कभी आपने देखा होगा कि ड्राइंग में इस तरह का सेट दे रखा होता है। सेट मीन्स आपका ये आउटर हो गया, फिर उसके अंदर आपको इस तरह से छोटा करके एक अलग दे रखा होता है, और फिर जो अलग होते हैं सेट एक्स्ट्रा, वो ऐसे करके इस तरह का सेट दे रखा होता है ड्राइंग में मैक्सिमम। तो यहाँ भी आपको आसानी हो, या फिर जहाँ आपको नहीं मिलता है वहाँ पर आपको इस तरह का ध्यान देना ज़रूरी है। इस हुक की यदि आप बात करेंगे तो यहाँ देखिए दो रेनफोर्समेंट को लेके ये स्ट्रिप्स तैयार होगा। सेम जो इधर वाली होगी वो भी इसी तरह से आपको यहाँ पे तैयार करना होगा। अब ये तो चलिए स्ट्रिप्स की बात आ गई कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। स्ट्रिप्स का ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है कि लेंथ कैसे निकालनी है, कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है। अब बड़ी बात क्या आती है कि जब आप वर्टिकल का BBS तैयार करते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि ये LD आपको निकालना पड़ता है। और LD निकालने में कितनी गलतियां होती हैं, ये दोस्तों मैं भी बहुत बार गलतियां कर चुका हूं। अब सबसे पहले तो ये लैप वाला ज़रूर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्या करना है, लेकिन जब LD की बात आती है, आपको LD निकालना पड़ता है, तब आप कैसे निकालेंगे इस वीडियो में आपको स्पेसिफिक मैं बताने वाला हूँ। और कभी ये यदि आपने सीख लिया तो कभी आपको कोई गलती नहीं होगी। अब जैसे देखिए दोस्तों, LD होती क्या है, सबसे पहले तो ये बताऊं, इस पोर्शन से लेके मीन्स कंक्रीट का ये जो फेस है, किसी भी राफ्ट का डेप्थ होगा, डेप्थ में आप वर्टिकल जो रेनफोर्समेंट है, ये जो रेड वाली रेनफोर्समेंट आपको दिख रही है, यदि ये पेडेस्टल का टॉप माना जाए तो इससे कुछ कवर देंगे आप। कवर देने के बाद फिर ये जो वर्टिकल है वहाँ से स्टार्ट होगी और लास्ट कहाँ तक जाएगी, आपकी नीचे तक जाके इस तरह से बेंड हो जाएगी। अब ये बेंड होगी तो कहाँ होगी, ध्यान दीजिएगा, एक बॉटम मोस्ट जो रेनफोर्समेंट है, ये जो लाइन जा रही है ये बॉटम मोस्ट रेनफोर्समेंट है, और इसके ऊपर दूसरी लेयर है रेनफोर्समेंट की। मीन्स कहीं भी राफ्ट में आपने देखा होगा आपके दोनों साइड में रेनफोर्समेंट लाइन किए जाते हैं, और इसका जब आप सेक्शन काटेंगे तो ये जो लाइन है ये आपको स्ट्रेट ऐसे ही दिखेगी, लेकिन ये जो रेनफोर्समेंट है ये ऐसे आपको डॉटेड टाइप का दिखेगा। तो यही एक मैंने स्पेशली आपके लिए ड्राइंग बनाई है डॉटेड, और इसके लिए सेम रेनफोर्समेंट ऊपर भी होगा, ये आप समझ चुके हैं। अब यहाँ रेनफोर्समेंट देख लीजिए क्या है, टॉप और बॉटम की 20 डाया 200 सेंटर बाई सेंटर, और यहाँ 16 डाया 200 सेंटर बाई सेंटर। अब रही बात की LD निकालने की, LD के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस तरह का एक शेप तैयार करना है। अब शेप तैयार करेंगे तो आपको भी पता है कि किसी भी रेनफोर्समेंट का LD 50D कैलकुलेट किया जाता है। अब ये 50D कौन से डाया का होगा, D तो डाया बोल देते हैं, लेकिन ये डाया कौन सा होगा, तो यहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है जो कॉलम में रेनफोर्समेंट लगा है। यदि इसको आप कंसीडर करें, जैसे ऐसे लिखा रहता है 12 नंबर्स 25 डाया, इस तरह से वहाँ पे लिखा रहेगा जहाँ पे आप कॉलम की ड्राइंग होगी। यदि वो 25 डाया की है तो आपको यहाँ पे 25 लिखना है, मीन्स ये जो लेंथ हो जाएगी ये आपकी 1250 mm आएगी। ये मैं फॉर द एग्जांपल बता रहा हूँ, 25 डाया एजम्पशन है दोस्तों, आपकी ड्राइंग के हिसाब से कुछ भी हो सकती है। अब देखिए LD मीन्स ये ध्यान दीजिएगा, ये L और ये L, ये दोनों की लेंथ कितनी होनी चाहिए मिला के,
1250 mm, ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब आपको ये टोटल लेंथ तो पता चल गई है, अब आपको क्या करना है कि ये जो हाइट है ये हाइट निकाल लेनी है और 1250 से माइनस कर देना है, तो ये जो लेंथ है ये आपकी निकल जाएगी और BBS भी आपका बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 1250 था, अब आते हैं हमें L आइडेंटिफाई करना है। L आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 1250 माइनस, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राफ्ट की जो थिकनेस है वो 600 है। अब 600 है तो नीचे से यदि ये कवर 50 mm कंसीडर करें आप, 50 mm, 600 तो पूरा माइनस करेंगे। अब यहाँ लगाना पड़ेगा आपको कॉमा, 1250 आपने ये लिख लिया माइनस कॉमा। अब देखिए 600 में कितना आपको क्या माइनस करना है जो कि ये वाली लेंथ हमें कैलकुलेट हो जाएगी। अब देखिए 600 हो गया, 600 में सबसे नीचे आपका 50 का कवर आएगा जो ये चीज़ लिखी हुई थी। अब इस 50 के कवर से फिर आपकी ये जो दोनों रेइंफोर्समेंट है, ये दोनों रेइंफोर्समेंट के ऊपर ये वाली एल है, तो यहाँ देखिए दोनों रेइंफोर्समेंट का डाया माइनस होगा, मीन्स माइनस 20 माइनस 20। अब कहेंगे ये 20-20 दो बार क्यों है, तो यहाँ देख लीजिए ये दो रेइंफोर्समेंट है और दो के ऊपर ये एल जा रही है। अब कहेंगे ऊपर का 50 mm कवर क्यों नहीं माइनस हुआ, तो ये माइनस नहीं करेंगे दोस्तों, जैसा कि पहले ही मैंने आपको बताया, इस पॉइंट से लेके ये जितना अंदर रेइंफोर्समेंट जाती है ये टोटल LD होता है। इस वजह से यहाँ पे जो लेंथ आपकी कैलकुलेट होगी 1250 माइनस, यदि इन सबको आप कैलकुलेट करेंगे तो 600 में से 90 माइनस होगा, मीन्स 510 बचेगा, और 510 यदि आप इनमें से माइनस करेंगे तो 740 mm आपकी लेंथ आएगी जो ये लेंथ के इक्वल होगी। तो इस तरह से आप ये जो L है, मीन्स जो LD है, LD आपको पहले पता होती है LD के रिगार्डिंग, BBS कैसे तैयार करते हैं, मीन्स इसकी हाइट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको बता दी गई हैं। अब कभी कभी एक चीज़ और होती है दोस्तों कि ड्राइंग में कभी कभी यहाँ पे दे रखा होता है कि ये जो L है या तो 300 स्पेसिफाइड कर देगा, यदि नहीं दिया है, बाई चांस मान लीजिए कि आपको L नहीं दिया है, तो यहाँ L की लेंथ आपकी कितनी आई है, 740 mm, ये चलेगा, लेकिन IS कोड के हिसाब से ये जो L है वो 350 से या तो बड़ा हो नहीं तो बराबर हो, मीन्स ये यदि आप लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ कम से कम IS कोड के हिसाब से 350 mm होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी रेइंफोर्समेंट की डाया यूज कर रहे हों। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, वर्टिकल की हाइट भी इसे ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब कहेंगे वो कैसे निकलेगी, तो आपने ये 510 mm वर्टिकल आ रहा था, मीन्स ये जो हाइट थी ये आपने 510 लिख ली। अब ये कितनी थी, ये यहाँ पे आपने निकला था L जो है वो 740 है, मीन्स 740 इसको आपने लिख लिया। अब मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि ये जो हाइट है ये 2 मीटर है, तो अब यहाँ इस हाइट को आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंड करके ये 2 मीटर लिखेंगे। अब ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 मीटर प्लस 510 प्लस 740, अब ये टोटल आप कैलकुलेट करेंगे तो 3250 mm हो जाएगी। अब 3250 mm में अब यहाँ देखिएगा कि एक बेंड है और डाया कितना है, 25 डाया, इसलिए यहाँ पे 2 ना होके 3 होगा, मीन्स 3 × 25 आपको माइनस करना पड़ेगा, मीन्स 3250 माइनस 75, यदि आप इसको माइनस करेंगे 3 मीटर 175 mm कटिंग लेंथ आएगी। मीन्स ये जो आपको वर्टिकल तैयार करना था, यदि आप ये सीधा 3175 mm की रेइंफोर्समेंट काटेंगे तो इस तरह का L देते हुए 740 आप L दे देंगे और 2510 mm इसकी लेंथ आ जाएगी। तो इस तरह से LD भी कैलकुलेट करना आपने सीख लिया, और जो लेंथ निकालनी थी कटिंग लेंथ और कॉलम की जो वर्टिकल रेइंफोर्समेंट होती है वो भी आपने हाइट निकालना सीख लिया। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, आप मुझे विदा दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में बने रहने के लिए।